Jump सोपुनाश, हम यहाँ मर्डर करने आए हैं और अगर प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं होगा तो टीटी हमें अंदर कर देगा। जा टिकट लेकर। ए, जा टिकट लेकर। ओए देखो हमारे शिकार, चलो पकड़ो उसे। चलो शिकार की गर्दन तक पहुंचने से रोक दिया, बकरा निकल जाएगा, पकड़ो उसे। ऐसा ये आपका चाकू है क्या? ओ, नहीं है, कोई बात। अरे कहीं मेरी छप्पन चुरी। अच्छा, ये बक्सा उठाइए और टैक्सी स्टैंड तक ले चलिए। कलकत्ता के काली को तूने कुली समझ लिया? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं कैसे जानूंगा? मैं हूँ कलकत्ता काली, पूरा कलकत्ता जानता है मुझे और मैं पूरे कलकत्ते को जानता हूँ। त्रिशा जरा नीचे आओ। आ रही हूँ भैया। आओ जल्दी आओ। रुकिए भाई साहब। त्रिशा तुम कह रही थी ना नए शहर में एड्रेस कैसे ढूंढेंगे? ये भाई साहब शहर का चप्पा चप्पा जानते हैं। भाई साहब यहाँ कैसे पहुँचेंगे बताइए ना। बताइए ना। तुम्हें जानो कि टारगेट मिस हो जाएगा। चलिए चलो चलो। अरे भाई साहब रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमारी बहन ने जो तस्वीर बनाई है बहुत अच्छी है। ये देखिए मेरी बहन ने बनाई है। हमें जाने दो। रुकिए रुकिए, दो मिनट बिना हिले बस ऐसे ही खड़े रहिए, तुरंत आपकी तस्वीर बना देगी। जरा पसीना पोंछ लीजिए, मस्त तस्वीर बनेगी आपकी। मैं क्या तुझे फूल दिखता हूँ क्या? फूल नहीं सर, ब्यूटीफुल दिखते हो आप तो। भाई कहाँ जाना है आपको? भाई आ गई तुम्हारी मंजिल। भाई साहब एक भाई दूसरे भाई को थैंक्स नहीं कहता। जाओ भाई फिर मिलेंगे। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू। भलो मानुष। दादा आप तो किलर काली थे, आप गाइड काली कैसे बन गए? व्हाट हैपेंड? चटर्जी के एक कौवे को भी अपने बच्चे सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ये लोरी गाती थी, तेरी काली काली सूरत को किसी की नजर ना लगे। काला टीका लगाने के बजाय सफेद पाउडर लगाती थी, पर भाई ने मुझे ब्यूटीफुल कहा। गणेश। हाँ भाई साहब। जरा यहाँ आओ तो। तुम रुको मैं आता हूँ। ठीक है भैया। क्या बंदा है, यहाँ हर कोई या तो मेरा चमचा है या मेरा दुश्मन, लेकिन इसकी तो बात ही अलग है। भाई मेरा अपनी ही दुनिया में मस्त नेक दिल इंसान, जो बोलता है सच बोलता है, इंसान है इंसान की कद्र करना जानता है। क्या हुआ भाई साहब? फोन दो। ये लीजिए। आओ तुम्हारे साथ एक सेल्फी। सेल्फी पोज बनाओ। बड़ा मासूम चेहरा है तुम्हारा, इस सेल्फी को स्क्रीन सेवर बनाकर रखना। क्यों? कलकत्ता में ये तुम्हें बचा कर रखेगा। ठीक है। ओके, ओके मैं चलता हूँ। गणेश। हाँ? मेरे लिए एक बार स्माइल कर दो। बहुत क्यूट। सच्चा इंसान। वो ऑरेंज साड़ी वाली मेरी इज्जत की दीदी। नमस्ते।
नमस्ते भाभी। मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं, मैंने ऊपर के कमरे की सफाई कर दी, कमरा बिल्कुल चकाचक है। वैसे कलकत्ता आना क्यों हुआ? आर्ट्स और डिजाइन कॉलेज में अपनी बहन का एडमिशन करवाने आया हूँ। हाँ जी। आ जाओ। कैसा लगा बताओ? क्यों गणेश, है ना चकाचक? घर बहुत अच्छा है भैया, मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ एसी नहीं है लेकिन हवा चारों तरफ से आती है। हम यहाँ एक बड़े से सोफे में बैठकर चाय पिया करेंगे। सुपर आइडिया, हम यहाँ पर एक शानदार इम्पोर्टेड सोफा रखेंगे और उस दीवार पर बड़ा टीवी। क्या कहती हो? अंकल आप टीवी के सामने से हटिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है। साइड हटिए सर। 65 इंचेस की LED लगाएंगे। ठीक है वही लेंगे। त्रिशा हम डबल डोर फ्रिज कहाँ रखेंगे? फ्रिज के लिए ये जगह ठीक रहेगी। ट्वैंग क्या? एक चीज भूल गए, एसी, एयर कंडीशन मिस्टर गणेश। सुपर 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 आइडिया सर। है? तो सही है। एक काम करेंगे, 2.5 टन का स्प्लिट एसी ले लेंगे, ठीक है? भैया, हाँ, हाँ, चलो एसी तो लग गया। आंटी पूरा घर दिखाइए ना। सामान उठाने में मदद करोगी प्लीज? यहाँ पर रहेगी वॉशिंग मशीन और वहाँ पर बड़ी सी घड़ी। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है। हाँ ठीक है भैया। मिस्टर गणेश शॉपिंग लिस्ट कुछ लंबी हो गई है, लगता है ये बॉक्स नोटों से भरा हुआ है। अपनी बहन के लिए सब लाऊंगा, बस थोड़े से पैसे कमा लूं। पैसे कमा लूं? मतलब अब तक नौकरी नहीं है? ढूंढ लूंगा सर। नौकरी ढूंढना कोई मजाक नहीं है, तुम्हें यहाँ की भाषा आती है? वो भी सीख लूंगा। सीख लूंगा। मिस्टर गणेश लगता है तुम यहाँ पे खाली जेब और बिना नौकरी चले आए हैं। कोई प्लान वैन बनाया है या यूं ही धमक पड़े? सर जो आदमी अकेला होता है प्लान तो उसे बनाना पड़ता है, और जो ऊपर वाले पर विश्वास रखता है उसे प्लान की कोई जरूरत नहीं। आओ त्रिशा। थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पर तो सब लोग बहुत ही अमीर और फैशनेबल लग रहे हैं भैया। टैलेंट की पहचान कपड़ों और पैसों से नहीं होती, टैलेंट यहाँ होता है। चलो। तुम्हारा ये टैलेंट वाकई यूनिक है। यू आर सेलेक्टेड। शी इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल। मुझे तो इसके टैलेंट के बारे में पता है। वैसे क्या आर्ट्स के लिए सबसे अच्छा कॉलेज यही है? What's he trying to say? तुमने ऐसा सवाल क्यों पूछा? सर मैं सब कुछ बेस्ट चाहता हूँ अपनी बहन के लिए। ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ओके सर। आप जाकर पेमेंट कर दें। तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूशन। ये बैग मुझे दे दीजिए। हेलो सर, मैं आपको फोन करने ही वाला था सर, मेरी बहन का एडमिशन हो गया। ये तो गुड न्यूज है, मैंने भी अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए ड्राइवर की नौकरी के लिए बात कर ली है। एक मिनट, इंटरव्यू के लिए आ जाना। थैंक यू सर। मिस्टर गणेश मेरे बॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी है, सोच समझ के जवाब देना प्लीज। ठीक है सर। बॉस आगे रेडी रहो। ऐशु जो माई बाबू, कैसी हैं? ठीक है जी। अरे वाह, सास अपने दामाद की कितनी इज्जत करती है। यही मेरे बॉस लक्ष्मी दास है, एक क्लीनर बनकर यहाँ नौकरी पर लगे थे, लेकिन उसका क्लीन हार्ट देखकर उन्होंने उसे मालिक कम दामाद बना दिया। डार्लिंग आई एम रिच ऑफिस, यू आर इन डीप स्लीपो सो आई डोंट डिस्टर्ब। सॉरी जानू। जूस ड्रिंको, टाइम पे खाना इट लो, योर हेल्थ माय वेल्थ। मुझे ठीक आ रही है, क्या मैं ठीक सकता हूँ? ठीक बोल जे, ठीक हो ना? थैंक यू डार्लिंग। अच्छी सासुमा, आई स्नीजिंग सो व्हाई आर यू क्राइंग? जो माई बाबू, दुनिया में छींक और मौत ही ऐसा चीज है जो बिना परमिशन का आता है, किंतु उसके लिए भी आपने मेरी बेटी का परमिशन लिया। आप सिर्फ जमाई नहीं बल्कि मेरा बेटा। सासुमा, योर डॉटर इज नॉट ओनली माई वाइफ, शी इज माई होल लाइफ। नमस्ते सर, सलाम करो। डार्लिंगो, आई विल रीच यू एट 8 o'clock। जो माई बाबू, एक मिनट। अमी जाता हूँ। प्लीज। थैंक यू। यू कंटिन्यू। ओके बा। टेक योर सीट। बच्चे ने बोला तुम्हारे बारे में। बच्चा कौन बच्चा? मुझे प्यार से बच्चा कहते हैं।
शुरू शुरू में लोग मेरे रौब से डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे प्यार करने लगते हैं। आदत पड़ती है। यहाँ काम करना हो तो 3D याद रखना। जी सर। 3D क्वालिटीज, ड्राइविंग, डिसिप्लाइन, डिजेंसी। ये बताओ, कार चलाने आती है? आशम, ये लो। सर, ये क्या है सर? हाल खा हाल। इसका मतलब तुम शराब नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं ना, अगर पीते होते तो आराम से इसे नीचे रखते, लेकिन तुमने झटके से रख दिया। आई एम करेक्ट? बिल्कुल सही सर। आशम, मुझे पता है तुम स्मोकिंग भी नहीं करते। आपको कैसे पता? ऑफिस में एंटर करते वक्त तुम CCTV कैमरा नंबर 4 के सामने से गुजरे, तब मेरे एक आदमी ने तुम्हारे ऊपर सिगरेट का धुआं फेंका, तभी तुम्हारा सुंदर चेहरा सुर से सिकुड़ गया। ओके, अब तुम्हारी डिजाइन सी चेक करते हैं। तुम फेसबुक पे हो? नहीं सर। यानी तुम फोटोज अपलोड करके लाइक्स की गिनती में टाइम वेस्ट नहीं करोगे? व्हाट्सएप पे हो? नहीं सर। गुड, यानी तुम ग्रुप्स में चैट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आई लाइक इट। ट्विटर पर हो क्या? वो क्या सर? इसका मतलब तुम जली कटी कमेंट से किसी का दिल नहीं दुखाओगे? कभी नहीं, कितने अच्छे हैं सर। So, तुम सोशल नेटवर्किंग की सारी बुराइयों से अभी तक बचे हुए हो, इसलिए तुम्हारी स्माइल किलर स्माइल है। थैंक यू सर। कोई डाउट हो तो पूछने में डाउट मत रखना। देखो डरो मत, डाउट है तो पूछ जानो। पूछ लो। पूछो ना। सर, आपने लेडीज चूड़ीदार क्यों पहनी है? हेलो, रॉन्ग नंबर है, बाद में फोन करो। ये चूड़ीदार नहीं है, खास डिजाइनर आउटफिट है। सॉरी सर, सॉरी सॉरी। बच्चा है। यू आर इनोसेंट, आई लाइक यू। यस, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू बॉस। आप सच कह रहे हैं, आपको नौकरी मिल गई? हाँ, नौकरी भी और चाबी भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, भगवान करे आपका पहला पैसेंजर नेक इंसान हो। अब देखना सब ठीक होगा। त्रिशा, जल्दी चलो, मेरी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मोहरत का इंतजार कर रहे हो क्या? जल्दी चलो सेशन को। हेलो जूनियर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जल्दी चलो ना। हाँ चलता हूँ। वो झूठे गवाह का इंतजाम हुआ। जल्दी चलो, जल्दी चलो ना, ओवरटेक करो उसे, लेट हो रहा है। अभी करता हूँ मैडम, करता हूँ। बस, हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना। मैडम, किराया देके जाइए मैडम। मैडम, आज तक हम कोई भी केस नहीं जीते, पर ये वाला जरूर जीतेंगे। सच में? जी। मैंने प्रोफेशनली झूठ बोलने वाला बुलाया है। हाँ। मैडम, मेरा किराया मैडम। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको जेल से छुड़वा कर रहूंगी। डोंट वरी, आई एम देयर, फॉलो मी। मैडम, मेरा किराया मैडम। वो झूठा गवाह दिखने में एकदम इनोसेंट है ना? एकदम मासूम है। ओके, और बेबी फेस है ना? एकदम बेबी फेस है मैम, एकदम छोटा बच्चा। वैसे वो है कहाँ? वो रहा। गुड मॉर्निंग, एक पौवा मिलेगा। पौवा क्या? पौवा पौवा। कितनी बास आ रही है, क्या है? आप समझे नहीं, ये दारू मांग रहा है। दारू, दारू। क्या? मुन्ना, तुम कोल्ड ड्रिंक के साथ लोगे या सोडे के साथ? उसको कह रहे हो तो अपना डायलॉग बोल के बताओ। हाँ जल्दी बोल, बोल ना। पुंजो बोलेगा एकदम सच बोलेगा। पौवा मिलेगा। योर ऑनर, अपनी आंखों से वो हादसा देखेला है। अब तो पौवा दिखने में तो मासूम है ही, आवाज भी देखिए कितनी मासूम है। मां जी हमें जरूर जिताएगा। अरे ये क्या, प्लीज उठो, कम ऑन, उठाओ इसे। मैडम, अगला की सापी का है, सब मिलेगा। काले कुर्ते वाली पौवा। बोल मैडम, क्या मेरा 150 रुपए किराया दीजिए ना मैडम, दे दीजिए ना मैडम। White skin, baby face, innocent smile. तुम्हें अपने 150 रुपए चाहिए ना? वो तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो कहूंगी वो करोगे? क्या करना होगा? कोर्ट रूम में गवाह बन के आना और मैं जो लाइंस कहूंगी उन्हें जज के सामने दोहराना। लेकिन मुझे लाइंस ठीक से याद नहीं रहती। Just missed it. Juniors, लाइंस सिर्फ बोलने वाले को याद रखनी पड़ती है। तुम गूंगे होने की एक्टिंग करोगे, गूंगों को लाइन नहीं बोलनी पड़ती। You are genius. जब भी मैं अपने माथे पर ऐसे हाथ रखूं, तुम्हें अपने सर को इस तरह से हाँ में हिलाना है। ओके, अब करके दिखाओ। आपने तो अभी तक हाथ रखा ही नहीं मैडम। आओ। क्या नमूना है, एकदम इनोसेंट। Once more। मिलो ये गूंगा सर।
ले लेना, अपने सारे केसेस में हम इसी को अपना झूठा गवाह बनाकर पेश करेंगे, हमारा तो करियर सेट हो जाएगा। योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। बशुद्ध, कमाल कर दिया तुमने। मिस्टर एन मुखर्जी के खिलाफ एक भी आरोप साबित ना होने की वजह से अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है। और आज मैं प्रशंसा करना चाहूंगा एडवोकेट श्वेता की, जिन्होंने एक गूंगे इंसान की मदद से सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। फोन किसका बज रहा है? फोन किसका बज रहा है? हाँ त्रिशा। हाँ भैया, मैं कॉलेज के लिए निकल गई हूँ, आप कहाँ हैं? मैं कोर्ट में गूंगे की एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? क्या कहा आपने? ये क्या किया तुमने? You stupid girl! तुमने कोर्ट की तोहिन की है। Get out from the court! मुझे नहीं पता था। Sorry. Please. Please.